मैडम बात सुने, हमारा ब्लॉग शूट हो रहा है आपसे। क्या बदतमीजी है, क्या कर रहे हैं? क्या हुआ मैडम, क्या तरीका है? हुआ क्या है? आपने मुझसे पूछा ही सब। सॉरी, मैं आपसे पूछा नहीं, अभी पूछ रहा हूँ। ब्लॉग शूट हो रहा है, ब्लॉग शूट हो रहा है, हम लोग ब्लॉग्स करते हैं। अच्छा मेरी बात तो सुनिए ना मैडम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मेहरान और आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हमारे ब्लॉग में आज अशफाक भाई और जैन भाई की लड़ाई चल रही है। और लड़ाई क्यों चल रही है? वो इसलिए कि इन्होंने इनसे शूज़ मांगे और ये आज तक नहीं दे पाए। और ये मेरे शूज़ दिखाओ। इसका क्या मसला है? ये देखो ना, यहाँ से दिखाओ, नहीं रहो अरे फटे हुए शूज हैं। उससे शूज मांग रहे, शूज नहीं दे रहे, देखो कैसे दोस्त हैं लोग। यार तू तो ऐसा नहीं बोल रहा, क्या बोलूं फिर? दो जोड़ी शूज तुमने मेहरान को, अरे मैंने बोला मेरे को दिए, इससे मुझे दिए। मेरी बात सुनो, शिप में टाइम लगता है ना। क्या शिप में टाइम लगता है? वो शिप खत्म हो गई, दूसरी शिप शुरू हो गई। अभी वो दूसरे समंदर से ले रहे भाई। अगले व्लॉग से पहले मेरे शूज मिल जाएंगे? नहीं, अगला व्लॉग तो नहीं। नहीं, मैं मेरी बात सुन, तो तुम छोड़ दो, छोड़ तो नहीं देगा। अभी फिलहाल मेन टॉपिक ये है कि हम लोग लाए घर का खाना, चिकन कढ़ाई। ये कितना ज्यादा है ना, सिर्फ हम चार लोगों के लिए। आपने लास्ट टाइम बोला बिरयानी कम पड़ गई थी, घर की बिरयानी में लाया था, उन्होंने बोला बिरयानी कम पड़ गई। याद है? कम नहीं पड़ गई सर, बिरयानी तो बहुत सारी बच गई थी। आपने बोला गोश्त कम पड़ गया, गोश्त चिकन नहीं डाल गया। हाँ ये तो आज मैंने गलती सुधारी है अपनी। अभी ये खत्म नहीं होगा, हमारा पेट भर जाएगा इंशाल्लाह, ये मेरा दावा है। और इसके लिए मेरे को कोल्ड ड्रिंक वगैरह चाहिए, वो ला के ले। ये हम आए हैं सेविंग होम। सेविंग होम के बारे में मैं बताता चलूँ, यहाँ पे सब कुछ मिलता है। यहाँ सब मिलता है, यहाँ पे सब मिलता है लड़की के अलावा। चलो लड़की कैसे मिलती है मुझे ये बताओ, जरा अंदर आओ। ये ले चलो, हाँ ये दे देना हमारे लड़के को, दे दे हमारे लड़का पीछे, उसको दे दूँ। अच्छा मैंने इतना बड़ा दावा किया सब कुछ मिलता है, मुझे भाई ने बताया कोल्ड ड्रिंक तो यहाँ मिलते ही नहीं है। चॉकलेट ले लेंगे, जो फ्रिज नहीं है ना यहाँ पे, हम यहाँ से चॉकलेट ले लेते हैं। क्या बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक वहीं से देंगे, यहाँ पे चपातियाँ लेंगे आगे। ठीक है डन। हाँ भाई रखवा दिया, रखवा दिया। चलो भाई मैं आपसे पूछ रहा था लड़की कैसे मिलती है दुनिया में, लड़की किस लिए चाहिए आपको? देखिए लड़की आपको शादी के लिए चाहिए या लिविंग के लिए चाहिए? लिविंग के लिए नहीं, लिविंग वाला काम नहीं है मेरा, मैं आपकी तरह नहीं हूँ। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए मेरे भाई। एक मिनट, फोन आ रहा है, अगर कुछ बोल दिया तो बवाल आ जाएगा। फोन आ रहा है, फोन एक मिनट नोट। हाँ भाई आपकी भाभी का फोन था। कौन सी वाली? हाँ ऑफिशियल, ऑफिशियल वाली। हाँ अनऑफिशियल वाली मर गई। मैं आपसे क्या पूछ रहा था, आप उनसे पूछे लड़की कैसे मिलती है, लड़की कैसे मिलती है, लड़की कैसे मिलती है आपको? तो आपने देखो गलत बात की है, लिविंग वाले मैं हूँ, वो बात हटा दो, लड़की कैसे मिलती है? लड़की कैसे मिलती है? लड़की मिलती है एफर्ट से, एफर्ट से। आपके हिसाब से लड़की एफर्ट देखती है, शक्ल सूरत देखती है, पैसा देखती है? पैसा देखती है, पैसा देखती है। आप क्या बोलते हो इस बारे में? एफर्ट देखती है, एफर्ट देखती है। आप एग्री नहीं करते? नहीं मैं पैसे पे एग्री नहीं करता। यानी आपके हिसाब से हर लड़की को पैसे से मतलब? हाँ अगर कोई लड़की पहले से पैसे वाली है तो वो पैसा थोड़ी देखेगी, इसलिए भी नहीं। इस तो किस, ये तो और गलत हो जाएगा। तो पैसे वाली तो गरीब की आए क्यों, उसके मतलब कुछ है ही नहीं, शादी क्यों? उसके पास पैसा है लेकिन ऐसा लड़का नहीं है, उसके पास नहीं है शायद ऐसा लड़का नहीं है उसके पास गरीब। यानी आप दोनों का बहस ये, वो भाई कह रहे हैं कि पैसे लड़की पैसे के लिए आती है, 90% तो पैसे पे आएगी। आप कह रहे हो कि बिना पैसे वो आजमा ले, आजमाते। आपके हिसाब से कराची के अंदर आप किसी भी अन्य लड़की से बात करोगे तो आपसे बात नहीं करेगी ना? नहीं करेगी। अगर हम उनको पैसा दिखाएं फिर करेगी? करेगी, करेगी। आप क्या बोलते हो? खत्म हो गया ये हर लड़की। चलो एक काम करते हैं, हम लोग बाहर, छोड़ो ना ये सेविंग होम है, यहाँ सब कुछ मिलता है, ठीक है। एक काम करते हैं, हम लोग बाहर जाएंगे, किसी भी अन्य लड़की को मैं पूछूंगा, मैं कहूँगा आप अपनी मर्जी का इस जगह से कोई भी गिफ्ट ले सकती हैं। गिफ्ट तो लेगी ना कोई भी लड़की, गिफ्ट ले लेगी, उसके बाद मैं उसका नंबर मांगूंगा। अगर दिया तो ये सही, नहीं दिया आप जीते। भाई तय ये हुआ है, अभी इन दोनों की बहस चल गई तो उसमें तय ये पाया कि मैं जाऊंगा बाहर, किसी भी अन्य लड़की को मैं कहूंगा कि आपने यहाँ से कोई भी गिफ्ट अपनी मर्जी का लेना है, उसके बाद मैं उसका नंबर मांगूंगा। अब देखते हैं कि क्या होता है। चलो यहाँ पे वेट करते, कोई अकेली लड़की गुजरेगी, अकेली ठीक है, जो साथ गुजरती है उधर मार खाने के चांस होते हैं। चलो फिर भाई, लड़की अक्सर गोलगप्पे के ठेले पे आती है, गोलगप्पे के ठेले पे वहीं खड़े हो जाते। चलो ये दो हैं और थोड़ी उम्र में बड़ी लगी, बच्चे इनके तो बच्चे। छोड़ दो छोड़ दो, क्या है भाई वैसा? भाई आपको अगर अपनी मर्जी का कोई भी गिफ्ट दिलाऊंगा आप लोगे? नहीं शुक्रिया, बहुत बहुत। क्या बात है, लड़के खानदानी लोग होते हैं, क्या बात है। इनके ये देखो, ये तो मना, डायरेक्ट मना, मैं नहीं चाहिए। अभी किसी लड़की को बोलेंगे ना तुम, देखना क्या होगा। थोड़ी देर यहाँ वेट करते आराम से, सारे सीन ऑडियंस को देखा, बोर नहीं करेंगे, बोर नहीं करेंगे आपको, मैं इससे काम की चीजें दिखाएंगे। A few moments later. भाई 10 मिनट गुजर गए,
वो जो वहाँ बैठे उनके गोल गप्पे आ गए, उन्होंने खा भी लिए, अभी तक हमें कोई अकेली लड़की नहीं दिखी। कोई ना कोई आएगा। और यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। लड़की मिल कैसे जाती है भाई, नहीं मिलती, देख नहीं है। भाई वो आपको एडिटेड वर्जन दिखाया होता है, हम लोग दो घंटे खुद वेट करते हैं, आपको एडिटेड वर्जन दिखाते हैं, अजीब लोग हैं यार। अस्सलाम वालेकुम, एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम मैडम, बात सुने, हमारा व्लॉग शूट हो रहा है आपसे। क्या बदतमीजी, क्या कर रहे हैं? क्या हुआ मैडम, क्या तरीका है? हुआ क्या है? आपने मुझसे पूछा ही सब कुछ। सॉरी, मैं आपसे पूछा नहीं, अभी पूछ रहा हूँ। व्लॉग शूट हो रहा है, व्लॉग शूट हो रहा है, हम लोग व्लॉग्स करते हैं। अच्छा मेरी बात तो सुनिए ना मैडम, प्रॉब्लम ये है, ये जो सामने सेविंग होम है ना, यहाँ दुनिया की हर चीज़ मिलती है, तो आपको हम अपनी मर्जी से कोई भी गिफ्ट लेके देंगे, कोई भी, अपने पैसों पे, कोई भी। अब जरा यहाँ शोर बहुत है, वहाँ आगे बात करते हैं। मैडम वहाँ पे शोर बहुत है, इसलिए हमने आपको यहाँ लाया। ये देखिए सेविंग होम, यहाँ पे सब कुछ मिलता है, तो आप अपनी मर्जी की कोई भी चीज़ लेंगे, पैसे हम देंगे, वो जितनी महंगी हो फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, ये कैमरा सामने लगा है, जरा कैमरे में देखें, ऑन कैमरा आपको बोल रहे हैं, सेविंग होम है, यहाँ से आप अपनी मर्जी की कोई भी चीज़ बाय करें, जितनी महंगी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक चीज़ हो, उसके पैसे हम देंगे अपने व्लॉग में, एक चीज़, ओनली वन आइटम। ओके, आर यू रेडी? लेट्स गो देन। लेडीज फर्स्ट, यू आर कमिंग? यस। इतनी जल्दी? नहीं नहीं, सीरियसली कोई भी चीज़, कसम उठाऊं? ओके। देखिए ना आपको मैं बोल रहा हूँ, कोई भी चीज़, टेडी बेयर पसंद है आपको? ये लड़कियों का क्या चक्कर होता है टेडी बेयर के साथ, बाबू शो में क्यूट बनने की कोशिश करती है। मेरे पास भी टेडी बेयर है। अच्छा? हाँ, घर पे बड़ा है? नहीं समझ आया? हाँ, कुछ भी देखे, एनी थिंग। वहाँ देखे सामने पर्स भी पड़े हुए, वहाँ पर्स देखते हैं, आपको पर्स दिखाते हैं। लड़कियों को शॉपिंग करवाने का मेरा बहुत पुराना तजुर्बा है, बहुत पैसे बर्बाद किए लड़कियों के चक्कर में बाबा। देखें, समझ नहीं आ रहे पर्स? नहीं, मैं कुछ और देख लेती हूँ। नहीं, पर्स क्यों नहीं समझ आ रहा आपको? आप इस तरफ ये प्रोडक्ट देखें लड़कियों की, मर्जी आपकी है, इट्स योर चॉइस। ज्वेलरी देखो यार, वी डोंट केयर, वी आर हियर टू पे, मर्जी आपकी है मैडम। सेविंग होम, एनीथिंग। भाई कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये लोग बोलते शायद ये स्पॉन्सर करते हैं, कि कोई एक रुपया नहीं मिला इनसे। नो, चलें फिर। आप इनको जरा खुला छोड़ दो, इनको देखने दो, मैं उस तरफ आ जाता हूँ। परफ्यूम चाहिए आपको? परफ्यूम पसंद है आपको? जी। आप कौन सा लगा रही है अभी मौजूदा? तो कोई भी चल जाता है, कोई भी चल जाता है, आप ले ना अपनी मर्जी से कोई भी। वर्साची ये दिखाएगा, फेंडी भी है, वर्साची भी है, ये फेंडी है, ये वर्साचे है, यह है फेंडी, यह है वर्साची। नीचे ये गुची या फेंडी, तो सिंपल में क्यूट है। इसको डन करते हैं, इसको डन करते हैं। बड़ी चालाक लड़की है ये, पता है क्यों? मैं आप लोगों को बताता हूँ, इससे पहले वहाँ पर्स देखे, इसने डायरेक्ट प्राइस टैग देखा, ये किसी ने गौर नहीं किया, मैंने कर लिया। अभी इसने ये वाला परफ्यूम देखा, ये भी इसने प्राइस टैग देखा, ये बड़ा सस्ता है। कितने का? 1190 रुपये का, ऐसा ही है भाई? वो कितने का है? जी जी, 1190 रुपये का था, ओरिजिनल नहीं था, ज़ाहिर है 1190 का फेंडी ओरिजिनल तो होगा नहीं। इन्होंने फिर ये चुन के निकाला, उसके बाद इन्होंने ये देखा और ऊपर इसके प्राइस देखा, ये है 8700 का, और मैडम ने ये पसंद किया। मैडम आप इतनी चलाक कैसे हैं वैसे? आपने ही तो कहा था कि मैं कोई भी चूज कर सकती हूँ। तो मैंने बिल्कुल कहा था आपको, 100% कहा था, 100% वहीं से पक्का, यही चाहिए आपको? आपकी गारंटी है? इनकी है, मेरी नहीं, इनकी है। आई डोंट नो, मैं तो यहाँ नॉर्मल चीज़ें लेता हूँ, मुझे उसके पता नहीं है, तो मेरी कोई गारंटी नहीं है भाई। ये सर हमें दे दे, इसके क्या प्राइस है? 8700। कोई डिस्काउंट होगा इसमें? फिक्स प्राइस होता है, सेविंग होता है। फिक्स प्राइस? यार आपने काफ़ी महंगी चीज़ ली वैसे। ये है जी 10,000,
पाँच पाँच हज़ार के नोट। वो हमारे इंडिया वाले भाई बोलते हैं यार ये लोग नोट एक ही नोट में 5000 का बिल दे रहे होते हैं। 5000 का नोट है ना यहाँ पर, मेरा 5000 परफ्यूम आ गया आपके पास, वेरी गुड। मेरा चेंज मुझे मिल जाए फिर हम, नहीं थैंक यू की बात ही नहीं है, हमारे व्लॉग के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए हम सब कुछ करते हैं। थैंक यू मैडम जी, ये बिल आप अपने पास रखें, ये बिल दिखाए थे ऑडियंस को, बिल दिखाना हमारा पुराना तरीका है। देखें 10000 मैंने पे किया, 8000 कट गए और ये आपके पास आ गया, ये मेरा चेंज आ गया जी, चेंज मैं अपने पास रख लेता हूँ। चले मैडम प्लीज़ को बाहर तक छोड़ देते हैं हम लोग। अभी मुझे आप ये बात बताएं कि आप माइंड तो नहीं करेंगे आपसे एक बात करूं, आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं कि मुझे आप प्यारी भी बड़ी लगी और आपकी बातें अच्छी है, मुझे लगता है कि हम अगर बात करेंगे साथ में तो अच्छी जोड़ी हमारी बनेगी। यस सर, नंबर दे सकती हैं प्लीज़ यहाँ डायल कर दें। थैंक यू, आपका नाम बताइएगा सेव कर लूँ मैं। हाँ मिशाल, आपने मुझे बताया था। थैंक यू सो मच मैडम, इजाज़त है हमें। थैंक यू, खुश हैं आप, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। सितारों की महफिल में गूंजेगा तराना के होंठों पे आया यू दिल का पसाना। अरे दिल ने इस गाने के लिरिक्स भी नहीं आते, मैं दिमाग में आगे में लगा लिया। शर्त ये हारा भाई, मैं अपनी वाली अपनी वाली क्या सभी लोग, कोई भी लड़की पैसों के पीछे, मैं बोलता हूँ ऑन कैमरा, अपनी अपनी कोई भी हो, नहीं मानूंगा तुम्हारी। क्या पैसे के बगैर जिंदगी कैसे गुजरेगी भाई, शर्त हारे पैसे तो तुम्हारी। वो गाना सुने दिल हारार, ये शर्त हारार, ये हारा हारा दिल हारा हारा, मजा आया। अब इसके साथ करना क्या, इसके शर्त के चक्कर में मेरे 8500 चले गए। लेकिन चलो किसी गरीब का भला हो गया, अच्छी गरीब ये जीता ये पे कर देगा ना आपको। मैं जीता हूँ, मैं क्यों, जो हारा है वो पे करेगा ना, मैं क्यों पे। चले एक काम करते हैं, इससे पार्टी ले लेंगे, इसके दुकान पे जाएंगे, वहाँ खाना खाएंगे, दुकान का व्लॉग भी बनाएंगे, सारे बोल रहे हैं डन हो गया, ऑन कैमरा डन है। तो फिलहाल इस व्लॉग को बंद कर दे, खाने का व्लॉग कर रहा था लेकिन वो बातों बातों में कुछ और ही बन गया और ऑडियंस को बोर करना मेरी आदत नहीं, तो इस व्लॉग को यही बैंड कर दे क्योंकि हम आए थे घर का खाना लेकर आने का, कढ़ाई वढ़ाई खाएंगे मस्त, लेकिन बातों बातों में कुछ और हो गया। तो इस व्लॉग का यहाँ पे फिलहाल के लिए एंड करते हैं, आप लोगों के लिए नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी, हाँ, और इनके दुकान का व्लॉग भी बहुत जल्दी अगला आएगा ना मेरे भाई। हाँ तो अभी फिलहाल के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।